यह सरकार पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी सर सेक्शन सेक्शन नंबर नंबर 49 और 50 हम कवर करेंगे अंडर जीएसटी पेड बायर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ओके सर तो तीन ई लेजर होते हैं जीएसटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओके सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल करते हो वो सब आप उसमें लिखते हो तो इतना क्रेडिट आपने अवेल किया कितना क्रेडिट आपने यूटिलाइज किया वो उसके अंदर आएगा बेटा ओके सर ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक तरह से अपना एक ई e वॉलेट है जिसको आपको रिचार्ज कराना पड़ता है जिसकी जिससे आप टैक्स पे करते हो इन कैश ओके सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के क्या क्या फीचर्स है सबसे सब पहली बात सर इट्स अ काइंड ऑफ ई वॉलेट जहां पे आपको पेमेंट ट्रांसफर करना होता है अच्छा पेमेंट जो करना होता है उसके मोड क्या क्या है सर सबसे पहली बात ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हो अच्छा आप ऑफलाइन भी पे कर सकते हो एन एफ के थ्रू कोई लिमिट नहीं है और हाँ आप ऑथोराइज बैंक जाके ओवर द काउंटर भी टैक्स जमा करा सकते हो बट पर टैक्स पीरियड पर टैक्स पीरियड द अमाउंट पर चालान इज रुप टेन थाउजेंड ओनली मैक्सिमम आप ओवर द काउंटर जाके बैंक में जमा नहीं करा सकते ही, करना पड़ेगा या फिर RTGS, ही आप अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे एंड वहां पे चालान जनरेट करने का ऑप्शन आएगा वहां पे आप चालान को पहले फिल करेंगे अच्छा ध्यान रखना वाइज मेजर वाइज माइनर वाइज आपको कॉलम में अमाउंट फिल करना पड़ेगा मैनुअली उसके बाद जितना भी अमाउंट आपको रिचार्ज करना है वो सब आप फिल करेंगे उसके बाद जनरेट करेंगे चालान को चालान जनरेट करने के बाद फिफ्टीन डेज तक वो वैलिड रहता है फिर आप फिफ्टीन डेज के अंदर कभी भी आप पेमेंट कर सकते हो ओके पेमेंट करने के बाद सर आपका जो अमाउंट आपने आपके बैंक से ट्रांसफर किया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज लेजर में वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा ओके अमाउंट आ गया साहब अब जब भी लाइब्रिटी आपकी आएगी आप उसको यूज कर सकते हो अच्छा अब बात जो मेजरली इसमें आती है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का मेजर हेड या माइनर हेड मेजर हेड कौन कौन से है सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी अदर अदर ड्यूज ओके सर ध्यान रखना जब रिचार्ज कराते हो आप तो मेजर हेड वाइज माइनर हेड वाइज आपको कॉलम में अमाउंट डालना पड़ता है और उसके बाद पेमेंट ट्रांसफर होता आपके बैंक से ओके okay. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि अगर किसी हेड में एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है तो क्या वो किसी दूसरे मेजर हेड के या सेम मेजर हेड के दूसरे माइनर हेड में वो फंड आप यूज कर सकते हो नहीं मतलब लाइब्रिटी है सीजीएसटी टैक्स की क्या वो आईजीएसटी टैक्स को पे करने में वो सीजीएसटी के टैक्स का कैश लेजर का बैलेंस काम आ सकता है आंसर है नो बट सर फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमडी जीरो के थ्रू आप पहले फंड ट्रांसफर कर सकते हो बिटवीन द हेड्स मतलब एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड में या एक मेजर हेड के किसी माइनर हेड के दूसरे ही माइनर हेड में आपको सेम मेजर हेड में ट्रांसफर करना हो या किसी और मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में आपको फंड ट्रांसफर करने फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमडी जीरो नाइन के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हो बिटवीन टू मेजर हेड और सेम मेजर हेड के अंदर अलग अलग माइनर हेड में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो मतलब एक माइनर हेड से किसी भी दूसरे माइनर हेड में भले वो सेम मेजर हेड का हो या दूसरे मेजर हेड का हो आप ट्रांसफर कर सकते हो और फंड ट्रांसफर करने के बाद उस फंड को आप यूटिलाइज कर सकते हो रेस्पेक्टिव लाइबिलिटी को पे करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा ओके अच्छा जितना भी फंड आपने मान लो सी जी एस टी अकाउंट से सी जी एस टी के हेड से ए जी एस टी हेड में ट्रांसफर किया है तो सर गवर्नमेंट के भी इंटर अकाउंट सेटलमेंट वहां पे करने पड़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को उतना अमाउंट

सी जीएसटी और एस जीएसटी का आई टीसी सी जीएसटी और एस जीएसटी की लाइब्रेडी को पे करने में काम आएगा मैं क्या बोल रहा हूं बेटा एस जीएसटी और यूटी जीएसटी एस जीएसटी और यूटी जीएसटी एस जीएसटी या यूटी जीएसटी की लाइब्रेड को पे करने में काम आएगा उसके बाद आई जीएसटी की लाइब्रेड को पे करने में काम आएगा पर सी जीएसटी को पे करने में कभी भी एस जीएसटी या यूटी जीएसटी की लाइब्रेटी आई टीसी काम नहीं आएगा और हाँ सर ध्यान दीजिएगा ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आई टीसी अब लाइब्रेटी पे करते वक्त आईजीएसटी की लाइव को पे करने के लिए सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा उसके बाद सी जीएसटी का आईटीसी काम आएगा उसके बाद एस जीएसटी या यूटी जीएसटी का आईटीसी काम आ सकता है आईजीएसटी की लाइव को पे करने के लिए सेम वे सी जी एस टी लाइब्रेड को आई जीएसटी का आई टी साम आएगा उसके बाद सी जी एस टी का आई टी सी काम आएगा पर एस जीएसटी का आई टी सी काम नहीं आएगा सेम एस जीएसटिया यूटी जीएसटी की लाइब्रेरी को पे करने के लिए पहले आई जी एस टी आई टीसी यूटी जीएसटी का क्रेडिट काम का सी जी एस टी का भी एस जीएसटी या में काम नहीं आ सकता क्लियर डन आई यूटिलाइजेशन की बात हमने कर ली अच्छा ध्यान रखना कभी आप आई जीएसटी या सी जी एस टी या एस जीएसटी जिसके भी आई टीसी का आप यूज कर रहे हो उतना अमाउंट उस रेस्पेक्टिव हेड से डेबिट हो जाएगा ओके okay, अच्छा आपने कभी रिफंड क्लेम किया है तो सर कैश लेजर हो या क्रेडिट लेजर हो जितना अमाउंट आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया है उतना अमाउंट उस रेस्पेक्टिव अकाउंट से कम हो जाएगा पर अगर मान लो रिफंड क्लेम रिजेक्ट हो गया तो उतना अमाउंट वापस उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अच्छा अब मान लो आपको कभी क्रेडिट लेजर से रिफंड मिला था आपने कभी टैक्स पे किया था उसका रिफंड लिया तो जब रिफंड लिया था उस रिफंड में कितना अमाउंट क्रेडिट के थ्रू आपने पे किया था उस टैक्स को पे करते वक्त कितना क्रेडिट को आपने यूज किया था उतना अमाउंट जब आप मान लो रिफंड कैंसिल हो गया तो सर ऐसे केस में सर वो अमाउंट वापस से डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही बेटा अच्छा या फिर आपको अगर रिफंड मिलना है मान लो कोई टैक्स पे किया था दस लाख का आपने दस लाख का टैक्स कैसे पे किया बेटा आपने तीन लाख का क्रेडिट यूज किया सेवन लाख आपने कैश लेजर के थ्रू पे किया अब दस लाख का अगर आपको रिफंड मिल रहा है तो तीन लाख रुपए आपके क्रेडिट लेजर में जाएंगे और दस लाख में से सात लाख आपके कैश लेजर में जाएंगे बेटा पूरा दस लाख कैश में रिफंड नहीं मिलेगा तो जितना क्रेडिट को यूज करके आपने पे किया था उसका अगर रिफंड मिल रहा था वो अमाउंट वापस आपके क्रेडिट लेजर में ही क्रेडिट हो जाएगा बेटा ओके डन अच्छा रजिस्टर जब भी जीएसटी लाइब्रेड आप पे करेंगे तो सबसे पहली बात टैक्स का लाइब्रिटी अगर है तो उसके लिए तो आप क्रेडिट लेजर को यूज कर सकते हो रेस्पेक्टिव जो मैंने बताया आपको पर इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी अदर ड्यूज को पे करने के लिए हमेशा कैश लेजर ही काम आएगा क्रेडिट से कभी भी इंटरेस्ट पेनल्टी एटसेट्रा पे नहीं हो सकती ओके सर लाइब्रिटी पे करने का ऑर्डर क्या होगा सबसे पहले प्रीवियस पीरियड की कोई टिटी तो सबसे पहले वो पे होगी फिर करंट पीरियड की टैक्स पे होगी टैक्स इंटरेस्ट एंड अदर ड्यूज प्रीवियस पीरियड का टैक्स इंटरेस्ट अदर ड्यूज है तो वो पहले पे होगा फिर करंट पीरियड का टैक्स इंटरेस्ट अदर ड्यू पे है तो वो होगा सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर का कोई डिमांड है तो वो पे होगा बेटा ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लाइब्रिटी होगा ओके अब ध्यान रखिएगा बेटा सर अगर कभी भी आप लाइब्रिटी पे लेट हो तो, तो इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन इज फॉर इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर डिलेट पेमेंट ऑफ टैक्स अब सर इंटरेस्ट कितना होता है किस रेट से होता है दो केस में ट्वेंटी फोर परसेंट इंटरेस्ट है और सेकेंड अगर आपने एक्सेस लाइबिलिटी रिड्यूस कर दी गलत क्रेडिट नोट को यूज करके क्लियर मिसमैच mismatch हुआ वाला सिस्टम प्रैक्टिकली जीएसटी एप्लीकेबल नहीं पर हाँ क्रेडिट नोट की वजह से मिसमैच की वजह से अगर आपने अंडू आपकी लाइब्रेड कम कर दी और रेसिपी ने क्रेडिट रिवर्स नहीं किया तो था ट्वेंटी फोर परसेंट पर इंटरेस्ट है और आई से अगर आपने एक्सेस यूटिलाइज कर लिया एक्सेस अवेल कर लिया जो मिसपेच हुआ था वो क्रेडिट आपने, आपने ले रखा है तो ऐसे केस में 24 परसेंट इंटरेस्ट लगेगा बाकी केस में 18 परसेंट इंटरेस्ट है अच्छा अब 18 परसेंट किसका ग्रॉस टैक्स लाइब्रेडी का या नेट टैक्स लाइब्रेड का ग्रॉस टैक्स लाइब्रेड मतलब

वो 18 परसेंट पर किस पर ओनली ऑन नेट टैक्स लाइबिलिटी विच इज पेबल थ्रू कैश लेजर पर अगर आपने सर अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन आपके रिटर्न में एक्सक्लोज नहीं किया है